गाइस वेलकम बाय एडिटिंग हमारे चैनल पे। आप लोग कैसे? मैं ऐसा करता कि आप लोग ठीक ही होंगे। तो फ्रेंड्स, आप सबके लिए एक और न्यू वीडियो लाए हैं। आप लोग इस तरह का फ़ोटो एडिटिंग आप कैसे कर सकते हैं, तो फ्रेंड्स आप लोग ऐसा एडिटिंग करने के लिए वीडियो पूरा देखिएगा। आपको ऐसा वीडियो और चाहिए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक अपने दोस्त लोग को शेयर करें, ठीक है? आप सब्सक्राइब करेगा तो मेरा फैमिली मेम्बर आप जुड़ जाइएगा, तो आपको ऐसा ऐसा वीडियो रोज़ मिलेगा देखने के लिए। हम तो फ्रेंड्स रोज़ अपलोड करते हैं वीडियो। तो मेरा फ़ोटो पहले ऐसा था, देख लीजिए फ्रेंड्स, पूरा ब्लैक है। हम इसको एडिट करके कैसा बनाए हैं, फुल HD है फ्रेंड्स। तो आप लोग को मैं ऐसा कर देगा, वीडियो को अच्छा लगे तो आप लाइक कर दीजिएगा, ठीक है फ्रेंड्स? तो वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है? तो फ्रेंड्स अपना पी कार्ड को आप ओपन कर लीजिए। वो प्लस वाला ऑप्शन दिया, ये देख लीजिए, तो आप क्लिक करिए, जो आपको फ़ोटो है वो आ जाएगा। तो जो फाइल में आपको फ़ोटो है इसमें जाके, जैसे मेरे ये फाइल में फ़ोटो है, ये फाइल को हम लेंगे, ओपन करेंगे, ये वाला फ़ोटो हम एडिट करेंगे, ये फ़ोटो ले लेते हैं, ठीक है? तो आप ये वाला भी जाइएगा ऑप्शन पे, ठीक है? और ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट करिए, क्लिक करिए, वो जहाँ जहाँ आपको ब्लैक लग रहा है आप वहाँ पे जाके इसको वाइट मतलब को थोड़ा बढ़ा दीजिए। देखिए मेरा फेस थोड़ा वाइट हो रहा है, आपको जहाँ जहाँ ब्लैक लग रहा है आप वो वाइट कर लीजिएगा। तो हम जल्दी जल्दी कर रहे हैं, आप मतलब आराम से करिएगा घर में बैठ के, ठीक है? वो हो गया, देख लीजिए। तो आपको फ़ोटो को बैकग्राउंड को ब्लैक करना है तो आपको मालूम होगा बैकग्राउंड ब्लैक कैसे होता है। अब उसको लाइट में आप शेयर कर लीजिए, लेटरूम ओपन करने वाले यदि ऑल फोटो लिखा है, ऑल फोटो पे क्लिक करेंगे। अब ये रहा मेरा फ़ोटो, फोटो पे क्लिक करेंगे। जब फोटो पे क्लिक करिएगा जो वो फोटो लोडिंग कर लेगा। अब फिर आपको जाना है लाइट ऑफ लाइट वाला ऑप्शन पे, जो लाइट का ऑप्शन नीचे है, लाइट का ऑप्शन में जाएंगे। नहीं तो आपको लाइट करना नहीं होता सेटिंग, तो आपको इस पर जा सकते हैं अबाउट पे। यदि मेरा लाइट का जो सेटिंग है अपने आप हो चुका है, वो ज़्यादा देख के लग रहा है ब्राइटनेस बढ़ गया है, तो आप उसको शैडो को थोड़ा कम कर दीजिए, कंट्रास्ट को शैडो को थोड़ा कम कर दीजिए, ठीक है? हो गया। अब वो जाना है कलर के ऑप्शन पे, कलर पे जाएंगे, नेक्स्ट टूल पे जाएंगे फ्रेंड्स। मिक्स पे जाने के बाद ग्रीन कलर जो है उसको लेस करेंगे, उसको व्यू को पूरा माइनस कर देंगे, सैचुरेशन को भी थोड़ा माइनस कर देंगे, जैसे कि हैं जैसा भी ये कलर के साथ क्रिएट करिएगा। एक मेरे बैकग्राउंड ब्लैक हो गया है, देख लीजिए हो गया। आपको ये वाला कलर पर जाना है फ्रेंड्स, इसको भी फिर मेरे सजेशन को मैनेज कर देना है, बिल्कुल मैनेज कर देना है, ये सब कलर को बिल्कुल मैनेज कर देना है। ये रेड कलर है फ्रेंड्स, इसको थोड़ा आप सजेशन को बढ़ा लीजिए, ह्यू को मैनेज करिए, ठीक है? तो ये वाला कलर आप देख रहे हैं फ्रेंड्स, इसको अच्छा तरीका यूज करिएगा, जो आपको फेस की वाइटिंग लाता है, लाइट रहता है, तो आप अच्छा से कीजिएगा, ठीक है? ये देखिए मेरा फेस वाइट हो गया है, ठीक बिफोर आफ्टर देख लीजिए। अब डन पर क्लिक करेंगे फ्रेंड्स, अफेक्ट पर जाएंगे फ्रेंड्स, अफेक्ट पर इस पर जाएंगे, टेक्सचर को थोड़ा बढ़ा लेंगे फ्रेंड्स, जिससे फोटो क्वालिटी आता है। जैसे जैसे हम करें फ्रेंड्स, वैसे आप भी कर लीजिएगा, व्यू को थोड़ा कम, ठीक है? तो फ्रेंड्स चैनल पर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो वीडियो को लाइक कर देंगे, ठीक है? तो आप इस वाला ऑप्शन बजाइएगा, वीडियो पूरा देखिएगा फ्रेंड्स, आप पूरा सारे समझिएगा, कुछ थोड़ा सा बढ़ा लीजिए फ्रेंड्स, जैसे 10 कर लीजिए आप, ठीक है? कलर का पूरा इसको थोड़ा सा बढ़ा लीजिए, डिजिटल को इससे क्या होता है, इसको तो जो स्मूथ मतलब होता है ना, वो फटाफट फोटो होता है, इसको स्मूथ कर देता है, ठीक है? अभी वाले ऑप्शन में जाएंगे फ्रेंड्स, ये दोनों को अलाउन कर देंगे, मतलब एक सही मतलब कर देंगे, ठीक है? ये सब करने के बाद आपको फेस को स्मूथ करना है, तो हम ऑटोजैक्स में लेके चलते हैं। फ्रेंड ऑटोजैक्स ओपन करेगा तो आपको इस तरह का फिगर देखने को मिलेगा। तो आप ये वाला ऑप्शन में जाएंगे, जय सॉरी फ्रेंड्स, ये वाला ऑप्शन में जाएंगे, ठीक है? लाइब्रेरी पे, और ये वाला ब्रश को आप देख लीजिए, स्मूथ लिखा है, इस पर ये वाला ब्रश
अब यूज करिए, सिलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। अब इसका सेटिंग देख लीजिए, ठीक, इसको अपने अपने हिसाब से रखिएगा, फुल विंग को एक जो भी है इसको तीन रख लीजिएगा, ठीक है। अब फेस को जूमिंग करके जिससे कि आपको यहाँ पे ब्लैक लग रहा है देखने में, ठीक है, तो ब्लैक लग रहा है तो मतलब धीरे से गोल करिएगा फ्रेंड्स, ठीक है। अब गोल करिएगा तो सही हो जाएगा, ठीक है। धीरे धीरे कर लीजिएगा, ठीक है, तब वीडियो को फास्ट कर लेते हैं। जैसे कि ब्लैक लग रहा है आपको, सीधे अच्छा तरीके से आप उसको गोल करिए, ठीक है। तो फ्रेंड्स देखिए हम कर लिए हैं, अभी मतलब आप स्लो स्लो करिएगा फ्रेंड्स, हम तो वीडियो को फास्ट कर दिए थे इसीलिए आपको समझ में नहीं आया होगा, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, आपको दूसरा डर गया है, दे देखिए मेरा फोटो हो गया अब अच्छा तरीका से एडिटिंग, तब उसको स्नैपचैट में लेके जाएंगे फ्रेंड्स, ये ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, ठीक है। अब ये देखिए ये वाला ऑप्शन पे क्लिक करेंगे फ्रेंड्स, अब वो फिर फोटो सेव कर लीजिएगा, ठीक है, तो हम सेव अभी नहीं करेंगे इसको, अब सीधे शेयर कर लीजिएगा, आप पहले सेव करके आगे बढ़िएगा, ठीक है। तब आप स्नैपचैट पे ओपन कर लीजिए, स्नैपचैट में अगर वही टूल को यूज करना है, ये भी जाएंगे फ्रेंड्स टेन इमेज ऑप्शन पे, बैटर्स को थोड़ा बढ़ा देंगे, कॉन्टास्ट को थोड़ा कम कर लेंगे फ्रेंड्स, जैसे आप 16 कर लीजिएगा, सैचुरेशन को थोड़ा 5 कर लीजिए, एम्बिलेंस को थोड़ा बढ़ा लीजिए, हाईलाइट को थोड़ा कम इतना कर लीजिए फ्रेंड्स, शैडो को 8 कर लीजिए और इसको थोड़ा आप अपना छोड़ दीजिए, थोड़ा सा करके छोड़ दीजिए, ठीक है। ये देखिए मैं फ्रेंड्स थोड़ा थोड़ा फेस ब्लैक लग रहा है देखने में, फिनिश ये ऑप्शन में जाएंगे, जहाँ जहाँ ब्लैक लग रहा है वहाँ उसको वाइट कर देंगे, ठीक है। ये हो गया फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स मैं ऐसा करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, तो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब। तो फ्रेंड्स आप लोग जो आंगला PNG है ना, आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख देने का, पिकार्ड से उसको लगा सकते हैं, वो नहीं होता लगाने के तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दे देंगे आप कैसे लगाते हैं, हम आप देखकर लगा लीजिएगा, ठीक है। तो फिर चल अब मिलते हैं अगले वीडियो में।